हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी दो प्याज़ा। उसके लिए हमें 1 किलो के करीब भिंडी चाहिए। उसको धोकर पोंछ कर ऐसे काट लीजिए और कढ़ाई में तेल गरम करके आप उसको पहले फ्राई कर लीजिए। जब भिंडी पक जाए और लाल हो जाए तो उसको निकाल कर एक बड़ा प्याज आपने बारीक काट लेना है और एक बड़ा टमाटर बारीक पीस लेना है या काट लेना है। तो उसके बाद एक प्याज को आपने ऐसे मोटा दो प्याज़ा की तरह छील के भून लेना है, उसको भी निकाल लेना है। और बचे हुए तेल में आपको कटे हुए बारीक प्याज भून लेने हैं। जब प्याज लाल हो जाए तो इसमें आपने बारीक पिसा हुआ टमाटर डाल देना है। याद रहे फ्रेंड्स, आपको ये मसाला मिक्सी में बीट नहीं करना, नहीं तो इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ये आप हाथ से ही काटिए बारीक। जब लाल हो जाए प्याज तो इसमें आप हल्दी, लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक और धनिया मसाला डालकर भून लें अच्छी तरह। थोड़ा सा आपने इसमें अमचूर पाउडर भी डालना है। टमाटर डालकर भी अच्छी तरह भून लें। और जब ये मसाला अच्छी तरह भून जाए, घी छोड़ने लगे, तेल अलग हो जाए, तो समझिए मसाला भुन गया है। अब इसमें आपने फ्राई की हुई भिंडी और वो प्याज डाल देने हैं। लास्ट में आपने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देना है। चलिए, भिंडी दो प्याज़ा बन के तैयार है सर्व करने को। इसके साथ हम बनाएंगे बूंदी का रायता। उसके लिए आपने दही को अच्छी तरह फेंट लेना है और उसमें भुना जीरा, थोड़ी काली मिर्ची और नमक डालकर अच्छी तरह, और सूखा पुदीना बारीक पिसा हुआ डालकर फेंट लेना है। और लास्ट में इसमें बूंदी डाल देनी है। इसके साथ हम बनाएंगे तंदूरी रोटी घर पर ही कढ़ाई में। अगर आपके पास कोई पुराना कुकर हो तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। रोटी थोड़ी मोटी बेल लेनी है और जो पुदीने वाला बचा हुआ मसाला था उसको इसके ऊपर लगा देना है। कढ़ाई गर्म होने को रख देनी है और रोटी के पिछली साइड आपने इसको पानी से थोड़ा गीला कर लेना है ताकि ये कढ़ाई में अच्छी तरह चिपक जाए और तंदूरी रोटी की तरह ही टेस्ट दे। कुकर अगर पुराना हो तो उसमें रोटी लगाकर आप उसको उल्टा गैस पर भी कर सकते हैं रोटी को सेकने के लिए। अगर कुकर नहीं है तो आप कढ़ाई में लगाएं इस तरह से और चिमटे से मीडियम फ्लेम पर रोटी को सेक लें। जब रोटी ऊपर से लाल होने लगी तो समझिए नीचे से वो पक गई है। चलिए, अब इसको रोटी को सेक लेते हैं। बिल्कुल तंदूरी रोटी की तरह ही इसका टेस्ट होगा। अगर आप इस तरह गैस चूल्हे पर नहीं पकाना चाहते तो आप तंदूर में भी लगा सकते हैं अगर आपको आता है रोटी लगाना। तो टेस्ट बिल्कुल सेम ही आता है।
चलिए रोटी, भिंडी दो प्याज़ा और बूंदी का रायता सर्व करने को तैयार है। गाइस बनाइए, खाइए और मुझे टेस्ट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा आपको टेस्ट, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। Yeah.